आपने कभी ईशु दीदी को किस किया है? ओहो, ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ इसे तुरंत बताओ अभी। आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो? बस इतना ही कमाते हैं कि एक मेरे आईडी पे इस टाइम आ गई है प्रॉब्लम। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, मैंने डाला था कम्युनिटी पे कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं रिप्लाई दूंगा, तो काफ़ी वीडियो ये लेट डाल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए कि हम लोग के रिलेशन, मतलब जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। A few moments later. So guys, तो हम लोग क्वेश्चन जो आप अपने मतलब लिख के भेजे हैं, हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ईशु, क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, भाई आपने कभी ईशु दीदी को किस किया है? ओहो, ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ इसे तुरंत बताओ अभी। अभी मारेंगे खरगोश से, नाक टूट जाएंगे। तो ये तो ईशु इसका रिप्लाई देगी, बताओ ईशु। अभी जब रिलेशनशिप में नहीं है तो किस काम से करेगा? अरे कर सकती हो, मैंने मना नहीं किया है, कर सकती हो। निकल लो फिर से बताऊंगी। ये तो ऑडियंस पूछी है ना यार। लकी ने किया है कमेंट। अच्छा लकी ने किया है, अच्छा ठीक। और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का, तुम बता दो ना। क्या हमको मिला ही नहीं, मैं खुद ही तरस रहा हूँ कब से। हाँ सेकंड क्वेश्चन, आप दोनों का असली नेम क्या है अभी? तो मेरा नेम है, फुल नेम है मेरा हर्षित पांडे, और इसका बताओ अपना क्या, अपना नाम बताओगी? ईशु त्रिपाठी तो नाम है ना मेरा। ईशु त्रिपाठी तुम्हारा नाम है? अच्छा ठीक है, तो इसका नाम है ईशु त्रिपाठी, हमें पता नहीं था, ठीक है। तुम नहीं बता सकते हो? हाँ तो मैं देखो गाइस, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखो मैं नहीं देने वाला इसके क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं। मां मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां? हम दोनों शादी कब कर रहे हैं, ये गलत क्वेश्चन है गाइस, इसको कट किया जाए, कट किया जाए इसको, कट क्लिप कट हो जाएगी वाली। बात ये नहीं, मुझे शादी नहीं करना चाहता, बता दो रीजन क्या है? क्या है? क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूं। सही बात है, रानू मंडल एकदम। तुम क्या हो? रानू मंडल जैसे लगती है गाइस, अगर इसका ये फेस देखिए, एकदम रानू मंडल के फेस से मिलाई गई, एकदम सेम लगते हैं दोनों। हो गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप यीशु को जीएफ कब बनाओगे? सो गाइस आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं कि मैं कितनी बार प्रपोज उसको किया, उसने एक्सेप्ट तो किया नहीं। क्यों करूं तुम्हारे से सड़े हुए इंसान का, क्यों वॉइस में बनाऊं? सही बात है गाइज, आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैं ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ कि ये। देखिए उसी को जलन होती है ना, जो कम स्मार्ट लगता है देख लो। मेरी कैमरे में अच्छी नहीं आती, स्मार्ट गाइज की जलन देख रहे ना, मुझसे जलन लग रही है, वो जान दी कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडियंस मुझे प्यार करती है, ठीक है? और प्यार क्या करती है, जो स्मार्ट है भी देखना, यशु यशु और कमेंट्स में आएंगे केवल, यशु भैया यशु भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट है, वेट 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 दीदी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप चूज करो गुलशन या यशु, रिया दीदी गुलशन भैया। तो मैं हमेशा चूज करूंगी यशु को ही। ये स्मार्ट लोग के जो लोग ज्यादा चूज करते हैं। और उसके बाद आप YouTube से कितना पैसा कमाते हो? ये क्या, अरे बस इतना ही कमाते हैं कि एक क्या बताएं, सॉरी मतलब सारा पैसा मैं रख लेती हूँ गाइस। नहीं इतना ही कमाते हैं, मतलब कितना कमाते हैं कि डेली एक थार निकलवा ले इतना कमाते हैं। ये गाइस मजाक कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं कमाता, मतलब हाँ काम चलाओ ठीक है थोड़ा बहुत। अब इनका क्वेश्चन मेरे लिए है, ठीक है, यीशु दीदी के लिए, ठीक है? अच्छा अच्छा यीशु दीदी के लिए। हाँ आप यीशु भैया को पसंद करते हो या नहीं? इधर देख के बोलना, कौन है तुम? ये हैं, ये तो रिप्लाई हुआ नहीं उसका, पसंद करती को नहीं, हाँ या ना? कौन है इसको मैं पसंद करूंगी, सड़ू को नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? एज अ फ्रेंड पसंद करती हो ना? एज अ फ्रेंड। तो यार गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही, फिर बन जाओ ना गर्लफ्रेंड, तुमको नहीं बने गर्लफ्रेंड? नहीं। चलो ठीक है गाइस, अगर तुम मुझे पसंद करते हो डायरेक्ट रिश्ता लेके आना मेरे घर, जाओ पे तुम्हारा इतना अच्छा मुंह नहीं कि तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेके आए। आज मम्मी रे गाइस ये पूरा देख रहे हैं ना, बाल का डिजाइन यही बनवाती है, हमको बार बार पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही डिजाइन बना देती है, स्लोप लोप सब यही रख देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आप कहाँ से हो? तो गाइस मैं हूँ इलाहाबाद से।
भाई और बहन ठीक है, आप कितने साल की हो ठीक है, आप लोग शादी कब करोगे ठीक बताओ। तो गाइज मैं 20 का हूँ और ये 25 की है। अरे यार आप बैठे काहे मार रहे, काहे देख सकते हो यार इतना मार। अच्छा अपनी एज बता दो तुम, चलो ठीक। तो गाइज मैं 20 तो गाइज मैं 20 का हूँ और इसका पता नहीं। अरे ये मुझसे 10 साल बड़ी है, ज्यादा नहीं और इशू भी 20 की हो गया। बोल दिए बस करो। देखो देखिए गाइस बताएं ये इतना मुझको मार क्यों रही है, साफ करना है पूरा। गाइस बताएं ये मुझे क्यों मार रही है, क्योंकि मैं लगता हूँ इससे स्मार्ट तो ये बाल खराब कर दे। देखो बार बार मारी जा रहा है, दूसरी लड़की पटा लो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दो, और क्या पूछा था उसने, आपकी एज क्या है? गाइस देखो ना वीडियो कितने दिन हुए हैं आप देखो गाइस हमें मिले गाइस हमें मिले केवल ज्यादा नहीं चार बार महीने हुए हैं, चार महीने ज्यादा चार महीने बस। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ही कैसे बैठ यार ऑडियंस को, तुम ऑडियंस हमसे गुस्सा हो तो ऑडियंस थोड़ी ना गुस्सा हो यार। अरे भाई गंधेली कितनी ब्यूटीफुल लग रही। गंधेली तुम मतलब वीडियो में गंधेली बोलते हो ना, इसलिए मुझे बोल। अच्छा देखो गाइस गंधेली ब्यूटीफुल लग रही, देखो आप भी कमेंट बता रहे हैं कैसी लगती है। सफेद कान फूटेंगे। तुम दोनों BFGF क्यों नहीं होते हो, देख लो ऐसी मुझे छुड़ाते, इसको कौन BF बनाएगा नारायक को। तो गाइस ये मतलब ये गर्लफ्रेंड हमको नहीं बना, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, चलिए दुख की बात है, लेकिन आप लोग शायद मना सकते हो तो प्लीज मना लेना। नेक्स्ट कमेंट है प्लीज 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 मेरा जवाब देना जरूर, मैं पाकिस्तान से हूँ, बिग फैन हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये है क्या आप रिलेशनशिप में है या नहीं, आप शादी करोगे कि नहीं? तो गाइस देखो ना हम लोग रिलेशनशिप में है और ना ही हम लोग शादी करेंगे, अब आगे का देखेंगे फ्यूचर, देखो अगर अच्छा बन गया दोनों का तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो नहीं है समझ लीजिए। आप दोनों कहाँ मिले थे, कब से साथ में हैं, क्या आप सच में दीदी से प्यार करते हो? तो गाइज मैं दीदी भी प्यार करती है, नहीं सड़ीले से तो हमने प्यार तो गाइज हम मैं मिला था आज से 4 महीने पहले, जहाँ पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वहीं मैं इससे मिला था, भरद्वाज पार्क में, और तब से जर्नी स्टार्ट हुई हम दोनों फिर साथ वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। कहाँ से मुलाकात हो गई, तब से वीडियो साथ बना रहे हैं, तब से चल रहा है सब कुछ। और बार के जहाँ मेरा दिन खराब हो गया था। देख रहे हैं ना स्मार्ट लड़का, देखे नहीं चले हैं पीछे पीछे, चलिए आगे क्वेश्चन फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कमेंट सॉरी, आप दोनों यूट्यूब स्टार्ट करने की कैसे सोची? सो गाइज हम लोग मतलब हर प्लेटफॉर्म पे थे, यूट्यूब पे भी था, मैं शॉर्ट्स बनाता था तो मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, 1 लाख+ सब्सक्राइबर थे, तो मैंने सोचा क्या इसने मेरे को फोर्स किया कि यार सब प्रैंक बना के सब अच्छे अच्छे मतलब सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, फेस वैल्यू सबकी बन जाती है, तो हम लोग भी ट्राई करते हैं, और आप सबका इतना प्यार रहा कि मेरी तीसरी वीडियो ही वायरल हो गई, तीसरी वीडियो मेरी 6 लाख चली गई, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, लव यू ऑल। आप दोनों की मॉम और डैड की फ़ोटो प्लीज़। तो गाइज मैं तो मॉम डैड की फ़ोटो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो अगर इसके मतलब सब तो आंसर दे नहीं पाऊंगा सब क्वेश्चन का, तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें जरूर अपने मम्मी पापा की फोटो दिखाऊंगा। प्रिंस रॉकी कमेंट किया है हाँ। यशु भाई तुम ईशु को शादी करोगे या फिर नहीं, प्लीज रीड माय कमेंट। तो गाइस तो रॉकी भाई तो ये आपका कमेंट है कि शादी करूंगा कि नहीं, देखो ये भाई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना मेरे हाथ में है ना इसके हाथ में कुछ है, तो अभी देखो वीडियो जैसे बन रही है तो आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी आगे का देखा जाएगा, आप लोग तो है ही साथ में। मेरा तो फर्स्ट है क्वेश्चन कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ, बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। तो ये तो होने से रहा कि हम और ये रिलेशनशिप में आए, जैसे आप जानते होंगे टॉम एंड जेरी कभी रिलेशनशिप में आए हैं तो वही वाला सिस्टम है, तो हम दोनों तो ये तो इम्पॉसिबल है, बाकी आप लोग अगर प्यार सपोर्ट करेंगे तो अगर आप लोग कहेंगे तो आ ही जाएंगे। काजू करके की है भैया, आप और ईशु दी कहाँ और कैसे मिले, यू आर बोथ आर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर। वैसे किसका कमेंट है ये?
काजू जो भी आप गर्ल या बॉयज, मैं स्मार्ट हूँ, आपका भाई स्मार्ट है अब इसका नहीं पता। तो आप जानते हैं कि मैं तो स्मार्ट हूँ, अब इनका पता नहीं, अब आप जानिए। कमेंट में लिख दीजिएगा कौन ज्यादा स्मार्ट है, मतलब सुंदर ब्यूटीफुल। यशु तुमको अपने पर डाउट है ये बताओ, तुम मार कैसे रही हो फिर? तुम डाउट क्यों कर, तुमको अपने पर डाउट है तो फिर तुम मारो। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं फटाक से। आप यीशु को जीएफ कब बनाओगे? तो मैं यीशु को जीएफ जनवरी के नहीं, फरवरी के 30 तारीख को बनाऊंगा, तो उस दिन आप लोग जरूर मेरी वीडियो देखिएगा। सब तेरी क्वेश्चन थी ज्यादातर, जीएफ कब बनाओगे? नाइस पिक ब्रो, एंड यीशु दी से मुझे बात करनी थी, मैं सूफिया, यीशु दी को याद होगा ये नेम जो मैंने उनके चैट आईडी पर दी थी। हाँ सूफिया याद है मुझे तुम्हारा, और कुछ नहीं है। तो गाइज आप लोग ने जितने कमेंट दिए थे सबका रिप्लाई हो गया है, और जिनका नहीं हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जिनका नहीं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊँगा, फिर से मैं डालूंगा कम्युनिटी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा फिर उसमें पूछना, मैं जिन जिन का रिप्लाई नहीं दिया हूँ उनका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ यार, और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो मेरी वीडियो देखते हो ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पर प्यार सपोर्ट बनाए रखो यार, क्योंकि मेरे आईडी पे इस टाइम आ गई है प्रॉब्लम, मेरी पर वीडियो येलो डॉलर जा रही है जिसके कारण मेरी इनकम नहीं हो पा रही है, और मेरी वीडियो आप तक पहुंच भी नहीं पा रही है। तो यार आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार आप सब वीडियो वॉच किया करो, फुल वीडियो वॉच किया करो, इसके बिल्कुल मत किया करो, और यार अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये जो मेरे साथ बैठी है इशू, इसके भी चैनल को यार सपोर्ट करो, इसका भी चैनल बहुत डाउन हो रहा है, मतलब डाउन है इसका, मेरा और डाउन होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ यार दोनों पे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, लव यू ऑल। ये वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।